नमस्कार, आप देख रहे हैं MSS न्यूज। मैं हूं आपके साथ बिस्टू राठौर। चलिए देखते हैं सबसे पहले सबकी खबर। निजी टीवी चैनल के पत्रकार की प्रताड़ना से क्षुब्ध शिक्षकों ने कलेक्टर परिसर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। शर्म करो, दलाली बंद करो के नारे कलेक्टर में लगाए गए। पीड़ित शिक्षक सुरजीत सिंह ने पत्रकार से जान माल का खतरा बताया। शिक्षक ने मानसिक उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया है। डीएम ने मामले की जांच के लिए समिति का किया गठन। पुलिस अधीक्षक ने भी सीओ त्रिवा को मामले की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। त्रिवा कोतवाली के टिकरा प्राथमिक विद्यालय में तैनात है पीड़ित शिक्षक। कि मैं एक पत्रकार हूँ, मैं जो चाहूँगा वो कर लूँगा। नित्य मिश्रा जी ने उन्होंने व्हाट्सएप पे कमेंट किया, मैं उसको बहन मानता हूँ, मुझको तो नहीं लगता वो बहन मानते हैं, मुझको तो ये लगता है उन्होंने पैसे लिए हुए हैं, दलाली खाई हुई है। किस चैनल के हो वो? समक्ता दूरदर्शन के बोलते हैं। ठीक, पत्रकार जिनका नाम बताया, पत्रकार जो नित्य मिश्रा जी हैं वो दूरदर्शन के, दूरदर्शन चैनल के। इसके हाँ, इसके इसके पहले वो शायद सारा समय में एक पत्रकार थे। उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझको बहुत कमेंट किए उल्टे सीधे, बोलते कि तुमने अर्चना पांडे मंत्री जी को कितने रुपए दिए, तुमने सुपर पाठक जी को कितने रुपए दिए, तुमने श्री आनंद सिंह जी को कितने रुपए दिए। मैं जब अपनी बात सबके सामने रख रहा हूँ तो मुझको किसी के पास पैसे देने की आवश्यकता ही नहीं। मैं अपनी बात हर जगह हर स्तर पर सक्षम हूँ रखने के लिए। मेरे पास हर बात के साक्ष्य मौजूद हैं। मैं हर स्तर पर उस साक्ष्यों को रखने के लिए प्रयासरत रहूँगा हमेशा के लिए। सुरजीत सिंह सहायक अध्यापक द्वारा भी एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें कि एक पत्रकार के विरुद्ध उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है कि उसमें उन्होंने अपने किसी सोशल मीडिया पोस्ट में आपत्तिजनक टिप्पणी की है और कुछ आरोप लगाए हैं। और इसके अलावा एक उन्हीं के रिश्तेदार हैं हरिभक्त सिंह, उनके द्वारा भी एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें वही सोशल मीडिया में कुछ एक पत्रकार द्वारा टिप्पणी किए जाने के बारे में शिकायत की गई है। तीनों प्रकरणों की जांच जो है मैंने क्षेत्राधिकारी तिरवा को संदर्भित कर दी है और प्रार्थना पत्र में जो और आरोप हैं वो शिक्षा विभाग से संबंधित हैं। इसके संबंध में इन लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भी प्रार्थना पत्र दिया है, तो वहाँ पे अलग से जाँच हो रही है। सर, उस पत्रकार का नाम, उसके चैनल का? आज श्री हरिभक्त सिंह जी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें प्राथमिक पाठशाला टिकरा के एक अध्यापिका को लेकर कुछ शिकायत की गई और इस संबंध में पूर्व में भी इन्होंने अवगत कराया कि प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसमें कुछ कार्रवाई हुई थी और उसके बाद जैसे शिक्षा अधिकारी ने फर्दर कोई कार्रवाई की। तो इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए मैंने एक टीम गठित कर दी है, जिसमें एक वरिष्ठ अधिकारी परियोजना निदेशक इसकी जाँच करेंगे और जांच में जो भी तथ्य निकल कर सामने आएंगे और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, कोई पत्रकार का भी मामला आया है? हाँ, उनके प्रार्थना पत्र में किसी पर आरोप लगाए गए हैं। अब किसी का नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन पूरे तथ्य की जांच उसमें की जाएगी। जो टीम मैंने गठित की है वो सभी पक्ष का उसमें उसका बयान लेके अग्रिम कार्रवाई करेगी और जांच में जो भी निष्कर्ष आएगा उसका अनुसार कार्रवाई होगी। उस पर क्या आरोप है सर? अब किसी की मदद करने के लिए या किसी के पक्ष या विपक्ष की ही बात है, किसी का पक्ष लिया जा रहा है, किसी का विपक्ष किया जा रहा है, तो इन्हीं सब बातों के लिए ये टीम गठित कर दी।